हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टी क्राफ्ट ITI। मैं इमरी इरफान अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ WCS में टाइप्स ऑफ पायरोमीटर के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पायरोमीटर की टाइप पायरोमीटर के कितने प्रकार होते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, टाइप्स ऑफ पायरोमीटर मतलब पायरोमीटर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, उसके बारे में जानेंगे। तो थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत। ठीक है, पायरोमीटर मतलब पायरोमीटर जिसको बिना छुए माप सकते हैं। तो इसको अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। इसका हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर का हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश या प्रकाशीय। तो पायरोमीटर प्रकाशीय पायरोमीटर। इसको एक एक करके हम जानेंगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर को कैसे हम हॉट बॉडी को टेम्परेचर माप सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं कि कल हम पढ़ाए थे पायरोमीटर के बारे में कि पायरोमीटर क्या है। तो पायरोमीटर क्या है? एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग मटेरियल है जिसके द्वारा क्या करते हैं, दूर रखी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर को माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भट्टी के टेम्परेचर को मापने के लिए, या बॉयलर के तापमान को मापने के लिए, या सूर्य की सतह के तापमान को मापने के लिए कि सूर्य की सतह से जो रोशनी निकलता है वो कितने उसके तापमान कितना होता है। तो इस सब अधिक तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज होता है उसका जो उस हम पायरोमीटर से अधिकतम अधिक कहाँ से कहाँ तक माप कर सकते हैं? 700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम माप सकते हैं। किससे? पायरोमीटर से। ठीक है, अब उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि उसके प्रकार कौन कौन होते हैं और उससे कितना कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या है, या पहला क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक पैरामीटर? थर्मो इलेक्ट्रिक पैरामीटर जो होता है यह थर्मोकपल पर आधारित होता है। थर्मोकपल हमने कल बताया था आपको कि थर्मोकपल उसको बोलते हैं जो क्या होता है, दो धातु का अलग अलग वायर ले लीजिए। मान लीजिए तार ले लीजिए, ये तांबा का तार है, ये एल्युमिनियम का तार है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको एक एक इसको छिलकर और इसको छिलकर दोनों को जोड़ दीजिए, दूसरे वाले पॉइंट को भी छिलक इधर को भी छिलके इसको भी छिलके ज्वाइन कर दीजिए। एक को गर्म रखेंगे, एक को ठंडा रखेंगे। जब गर्म और ठंडा रखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर में अंतर आएगा। तो अंतर आने के कारण इसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट डेवलप होता है। ठीक है, तो करंट पैदा डेवलप होने के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, हम थर्मोकपल कहते हैं। मतलब अगर पूछ दे कि थर्मोइलेक्ट्रिक पैरामीटर जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वो थर्मोकपल पर आधारित होता है। ठीक है, इससे जो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, -200 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेजर कर सकते हैं। बोला पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए कि थर्मोकपल से ये थर्मोइलेक्ट्रिक पैरामीटर से मिनिमम कहाँ से कहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकते हैं? तो मिनिमम -200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और अधिकतम पूछेगा तो कितना जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जब अलग अलग धातुओं के तार को जोड़कर बंद, या इंग्लिश में कहते हैं क्लोज, परिपथ मतलब इंग्लिश में होता है सर्किट। ठीक है, जब क्लोज परिपथ बनाते हैं, जब दो अलग अलग धातुओं के तार को जोड़कर बंद क्लोज परिपथ बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है आपका थर्मोइलेक्ट्रिक पैरामीटर। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे दो वायर है, एक ऊपर वाला तांबा है और नीचे वाला एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये क्या किए, इसके एक तार को छीलकर और नीचे वाले के एक तार को छीलकर इधर इधर जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। तो ये जब जोड़ने के बाद जो क्लोज सर्किट बनाया, जो क्लोज एक सेल बनाया, उसी को हम लोग बोलते हैं परिपथ, मतलब क्लोज सर्किट या बंद परिपथ बनाते हैं। तो इस परिपथ के दोनों जोड़ों के भिन्न भिन्न तापक्रम में रखते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो इसको एक तापमान को गर्म हॉट जंक्शन में रखते हैं और एक को कोल्ड जंक्शन में रखते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, अब देखिए तापक्रम रखते हैं जिसमें तापमान अंतर के कारण क्या होता है परिपथ में विद्युत उत्पन्न होती है। क्या होती है? परिपथ में विद्युत उत्पन्न होती है। तो विद्युत उत्पन्न होती है तो क्या होता है, इसमें करंट फॉलो होने लगता है। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, ये उत्पन्न हुई करंट को क्या करता है, ये टेम्परेचर के रूप में मेजर कर लेता है, जिससे क्या मालूम चलता है, किसी इससे मालूम चल जाता है उसके तापमान के बारे में, जिसके हम तापमान मेजर कर रहे हैं
ठीक है, तो हमें मालूम चल जाता है कि तापमान कितना है। तो इसके माध्यम से हमें क्या मालूम चल जाता है, इसके माध्यम से हम थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, हम तापमान मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि तापमान कितना है। तो इसी माध्यम से, यही प्रोसेस को फॉलो करके हम तापमान को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये बाहर सेल है, जिसे ये क्या है, रिफ्रैक्टरी सेल है। ये क्या है, रिफ्रैक्टरी सेल है, रिफ्रैक्टरी सेल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इसको बाहरी तापमान से या कोई गर्म वस्तु में जो माप रहे हैं या कोई इधर हॉट बॉडी है, ठीक है, तो उसको जो माप रहे हैं, जिसे माप, मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, इसको मान लीजिए क्या, ये हॉट बॉडी है, इसको जो इतना गर्म होता है ताकि इसके अंदर रखे वायर को ये इफेक्ट ना कर सके, डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो इससे जो रेडिएशन निकलता है, ये क्या करता है, इसको बचाव करता है, ठीक है, इसे क्या करता है, बचाव करता है। तो इसी तरह क्या करता है, हम हॉट बॉडी के टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब ऑप्टिकल पायरोमीटर में। ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है, देखिए ऑप्टिकल पायरोमीटर में क्या है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए किया जाता है, क्या, हाँ, ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, ताप मापने के लिए किया जाता है, बिना वस्तुओं को संपर्क किए हुए, बिना वस्तुओं को छुए हुए, मतलब हम किसी वस्तु को बिना छुए हुए क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, तापमान मापने के लिए करते हैं, बिना वस्तुओं को संपर्क किए हुए या बिना वस्तुओं को छुए हुए, ठीक है। अब देखिए डायग्राम के माध्यम समझते हैं कि क्या है, देखिए इसको मिटा देते हैं, हाँ, देखिए ये क्या है, पहले ये समझिए, ये हॉट बॉडी है, इसको गर्म बॉडी बोलते हैं, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये क्या आपका लेंस है, ठीक है, ये बल्ब है, ये क्या है आपका, ये बल्ब है, ठीक है, ये यहाँ आई है, जहाँ से हम देखते हैं कि बल्ब कितना ग्लो हो रहा है, कितना ब्राइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एमीटर है, यहाँ बैटरी है, जिससे हम रियल एस्टेट को क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कोई करंट चाहिए, कोई एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, तो हम क्या किए, यहाँ पे बैटरी लगा के इसको हम स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या हॉट बॉडी रखे हैं, हॉट बॉडी से क्या, जब कोई हॉट बॉडी होता है तो उससे रेडिएशन निकलता है, क्या निकलता है, उससे रेडिएशन निकलता है, तो उस रेडिएशन को लेंस क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करके इस ब्लो पे क्या करता है, उस ब्लो पे इसको क्या करता है, उस ये ट्रांसफर किस, ये सेंड किसको करता है, ये बल्ब को करता है। जब इस बल्ब, ये बल्ब जो है, ये रेडिएशन को पा के क्या होता है, ये हीट होने लग, ये सॉरी, ये ग्लो होने लगता है, क्या करने लगता है, ये ग्लो होने लगता है, ठीक है, ये फिलामेंट जो है, ये क्या होता है, ये ग्लो होने लगता है। तो ये हीट, जितना इस वस्तु का हीट है, मान लीजिए वस्तु का हीट 500 डिग्री सेल्सियस मान लिया, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम चल जाता तो क्यों मापते, हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना इसका टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर के बराबर इसको हीट मिलेगा, तो उस हीट, जितना टेम्परेचर ये हीट है उतना हीट इसको मिलेगा, तो ये पूरा तंतु जो है अधिक मात्रा में ये क्या ग्लो करने लगेगा, मतलब पूरा ब्राइट करने लगेगा। जब ये ब्राइट करने लगेगा, ये तंतु है, हमको ये जो दिखने वाला है यहाँ पे, उसको ये तंतु नज़र नहीं आएगा। तो ये जब तंतु इतना ब्राइट करने लगेगा कि तंतु ये जो है, ये टंगस्टन का जो बना होता है, ये इतना ब्राइट करता है कि ये दिखाई नहीं देता है। तो जब ये इसके हीट के बराबर ये ग्लो करने लगता है, तो क्या होता है, यहाँ पे एमीटर लगा होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे इसके तापमान को क्या करता है, ये मेजर कर लेता है। जब इसके हीट के बराबर हो जाता है, तो ये इतना हीट हो जाता है कि इतना हीट, ये हीट इस स्टार्टिंग में इसको हीट नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं, हम इसे रजिस्टर जो बैटरी से कनेक्ट है, यहीं से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देख के कि हाँ बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ से करंट को क्या है, हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके तापमान के बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे तापमान हम करंट इसको देते हैं, ठीक है, इसके तापमान के बराबर हम क्या करते हैं, इसको करंट देते हैं, तो ताकि क्या, ये भी फिलामेंट इसके तापमान के बराबर हीट हो जाए। जब इसके बराबर के हीट हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से करंट होने लगता है। तो ये एमीटर है, उसको माप के क्या करता है, हमें बताता है कि तापमान इसका कितना है। तो इसी प्रोसेस को अपना कर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को, हॉट बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं एक बार, ये हॉट बॉडी है, ये लेंस है, ये बल्ब है, ठीक है, ये आई है, ठीक है, और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये रियल एस्टेट है, ठीक है, ये क्या है, रियल एस्टेट है, ठीक है,
ये रियो स्टेट है, ठीक। ये ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जब गर्म बॉडी जब है, जब कोई हॉट बॉडी है, हमको इसके तापमान को मापना होता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस लगा होता है, इससे निकलने वाला रेडिएशन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके ये बल्ब पे ये क्या करता है, सेंड करता है। जब बल्ब पे आता है तो इसके फिलामेंट क्या होता है, जलने लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके जितना हीट ये होता है, ये मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 500 डिग्री सेल्सियस के बराबर हीट जनरेट नहीं, इसको नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, यहाँ पे कम ग्लो होता है, मतलब इसका तंतु उस समय नज़र आता है यहाँ से देखने पर। तो यहाँ से हम देखते हैं, हमको हेल्प करता है कि हम देखते हैं कि हम मेरा ये जो फिलामेंट है या बल्ब है कितना ग्लो कर रहा है। जितना ये ग्लो करेगा, ये जितने हीट के बराबर जितना इसका हीट है, उतना हीट अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ तब वो हम तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। फिर इससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, करंट के रूप में ये टेम्परेचर मेजर करता है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि कोई वस्तु का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो मेनली आज हम यही था कि इसके जो फंक्शन थे डायग्राम से हमने आज आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और क्लास आइए क्लास में, और अच्छे से पढ़ाई समझाने में और आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही थे आज, टाइप्स ऑफ पायरोमीटर, मतलब पायरोमीटर के प्रकार। पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर, दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर में हमने जाना कि कैसे हम लोग किसी गर्म वस्तु को माप सकते हैं, ठीक है। ये थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो होता है वो थर्मोकपल पर आधारित होता है। ये दूसरा, इसमें -200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, थर्मोइलेक्ट्रिक पैरामीटर में दो अलग अलग धातुओं को हम जोड़कर क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, उसको एक को ठंडा एक को गर्म रखते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, उसमें एक विद्युत पैदा होने लगता है। तो उसी विद्युत पैदा होता है तो वो करंट फ्लो होता है। तो और उसके साइड में क्या करते हैं, हम मीटर लगाते हैं जो टेम्परेचर के रूप में क्या करता है, वो करंट को मेज़र करता है, जैसे हमें मालूम चल जाता है कि वस्तु की कोई भी हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ऑप्टिकल पायरोमीटर में भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हॉट बॉडी रखा होता है, इसमें एक लेंस होता है जो हॉट बॉडी के जो रेडिएशन का करता है, ये एब्जॉर्ब करके किस पे सेंड करता है, ये बॉल पे देता है। बॉल के जब इस पे पड़ता है, बॉल पे आता है रेडिएशन, तो ये क्या होता है, तंतु जो होता है उसका ग्लो करने लगता है। तो इतना ग्लो नहीं करता है जितना इसका टेम्परेचर होता है। जब इसके टेम्परेचर के बराबर एक ग्लो होता है, ग्लो होने लगता है, इसके बराबर के टेम्परेचर करने के लिए हम यहाँ पे रियो स्टेट लगाए हैं। रियो स्टेट क्या करता है, यहाँ से करंट हम अधिक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके बराबर के टेम्परेचर को हम कर लेते हैं, इसके तापमान, जब फिलामेंट के तापमान हो जाता है, इस बॉडी के जितना इस बॉडी का हीट है उतने ही बराबर हीट हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एमीटर लगाए हुए हैं जो करंट को ताप को मेजर कर लेता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, हमें तापमान मिल जाता है, किसका, हॉट बॉडी का, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल पैरामीटर को हम ऑप्टिकल पैरामीटर की सहायता से किसी हॉट बॉडी को हम माप सकते हैं। तो यही बोला कि ऑप्टिकल पैरामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, बिना वस्तुओं को संपर्क किए हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।